or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. हे हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल में दी गेमिंग प्रोफेसर। तो नेक्स्ट वीडियो पर गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको जो मिल सकता है मिस्टी शॉप क्रिएट, जो बंडल अभी चल रहा है इवेंट के अंदर मैं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मिस्टी क्रिएट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको जो 100 डायमंड के अंदर मैं आपको एक बंडल लेकर दिखाऊंगा, इन चारों इन जो छः बंडल है इन छः में से कोई भी एक बंडल लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस, आप में से जो भी चैनल को नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जो ऑलवेज सेट कर देना फ्री फायर के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। और गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि एक टाइम होता है जो गैरेंडर देता है हर एक बंदे को, मतलब चांस होता है देने का, ठीक है। तो मैं आपको अभी टाइम बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और लाइक करना मत भूलना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी क्या करना पड़ेगा हमको, जो आप लोग जो एक 100 डायमंड टॉप अप कर लेना, ठीक है। ज़्यादा डायमंड नहीं लगेगा आपको, 100 डायमंड टॉप अप आप लोग कर लेना। और आप लोग अगर ज़्यादा कर सकते हो कर लेना, तो मैं आपको जो 100 डायमंड टॉप अप करने का रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर निकलेगा तो 100 डायमंड के अंदर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 100 डायमंड में टॉप करके इवेंट के अंदर जाऊँगा। तो चलिए गाइस, 100 डायमंड टॉप कर लेते, उसके बाद इवेंट के अंदर जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग जो 100 डायमंड टॉप अप कर लिया है और हम जो है अभी गेम के अंदर जा रहे हैं, मतलब इवेंट के अंदर मिस्टी क्रिएट इवेंट, जैसे आप लोग जानते हो। तो गाइस, आपको जो 100 डायमंड टॉप करना है, उससे अगर ज़्यादा टॉप करते हो आप लोग कर सकते हो, बट 100 डायमंड के अंदर निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइस, यहाँ पर डिस्प्ले को टाइम दे सकते हो। गाइस, पहले आप लोग जो यहाँ पर 10 डायमंड का अगर स्पिन करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। गाइस, यहाँ पर जो 10 डायमंड का टिक है ना, जो टिक मार के ना, यहाँ पर देख सकते हो डोंट रिमाइंड मी अगेन, अगर लोग ये टिक करके मारोगे तो आपको मिलने का चांस 90% हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका सर्वर में एक डेट में आपको मतलब टाइम बता रहा हूँ, देख सकते हो डिस्प्ले को, इस टाइम के अंदर आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। तो गाइस, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग अगर जो टिक मार्क ओपन क्लिक करके नहीं मारोगे तो आपको जो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे बाउंड्री टोकन मिलेगा। तो भाई, देख सकते हो प्राइस पूल में बहुत सारा बंडल्स है, इनमें से आपको जो मिस्टी शॉप का जो बंडल है वो उस मिलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बॉन फायर ये चीज़ मिल रहा है, मेरे पास अभी 68 डायमंड है। गाइस, इसके अंदर इस डायमंड के अंदर ही मैं आपको जो निकल के दिखाऊंगा। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हो 1000 डायमंड अगर दोगे आपको, तो आपको जो एक परमानेंट बंडल मिल जाएगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो एकदम बेकार गंगा स्कीम मिल रहा है। आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा डायमंड या रूल्स वगैरह आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर जो डायमंड वगैरह है आपको जो है ऐसे आप लोग देख सकते हो इधर उन्हें हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ निकले। और गाइस, यहाँ पर आप लोग अगर 10 डायमंड देते हो तो आपको ऐसे ही चीज़ मिलेगा, आपको कुछ भी बंडल्स नहीं मिलेगा। और गाइस, अगर आप लोग टिक मार्क जो डोंट रिमाइंड मी अगेन जो टिक मार्क है ना, उसको क्लिक करके करोगे तो आपका जो बंडल निकलने का चांस 90% हो जाता है। तो गाइस, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर जो डायमंड वगैरह थोड़ा बढ़ा के दिखा देना पड़ेगा करीन सर्वर को, ठीक है, कि आप थोड़ा ज़्यादा डायमंड दे रहे हो, ऐसे दिखा कर आप लोग फिर से 10 डायमंड कर देना। आपको डायमंड देने के बाद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ऐसे बढ़ा के फिर से कमा देना 10 डायमंड का, ठीक है। तो मैं आपको जो आप जो बोल रहा हूँ वही करना, और जो टाइम दिखाया था उस टाइम के अंदर करना तो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इधर मैं जो डोंट रिमाइंड मी अगेन जो क्लिक करके नहीं मारूंगा तो आप मुझको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो एक बॉन्फायर मिला। तो अगर मैं इसको टिक करके मारूंगा तो मेरा मिलने का चांस 90% हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक्समेट का स्किन मिला है, मेरे पास 28 डायमंड है, बस अभी देख सकते हो मिलने का चांस, वो गाइस मिल गया, जैसे आप लोग देख सकते हो ड्रैगन बंडल, ड्रैगन सी डायमंड बंडल मुझे मिल चुका है, वो भी 100 डायमंड में। तो बस मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग ज़्यादा डायमंड टॉप मत करो, आप लोग 100 डायमंड टॉप करो, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको तो थोड़ा तो उस और कुछ आइटम्स तो मिलेगा ना। तो गाइस, देख सकते हो लास्ट वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार मिलेगा तो उसके बाद नहीं मिलता। तो गाइस, फाइनली यहाँ पर मुझको जो है सी बंडल, ड्रैगन सी बंडल मिल चुका है। और अभी मैं यहाँ पर जो स्मूथ करके खेल रहा हूँ तो थोड़ा लैग कर रहा है गाइस। और गाइस, मेरा जो मेमोरी भी फुल हो चुका है, रुकिए तो कैंसिल करते हैं। गाइस, अभी जो अभी क्या करना पड़ेगा, सेटिंग पे जाके जो अल्ट्रा करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा अच्छे से बंडल कैसा है, आप लोग जैसे कि पहले से जानते हो। ओके, तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 100 डायमंड टॉप 100 डायमंड के अंदर मुझे मिल चुका है। तो गाइस, आप भी 100 डायमंड टॉप अप कीजिए, ज़्यादा टॉप अप मत कीजिए, मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो बॉल के अंदर जाऊँगा और मैं आपको जो बंडल दिखाऊंगा गाइस, जो मिल चुका है 100 डायमंड के अंदर, जैसे कि आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हो। वैसे वाला बंडल उतना अच्छा नहीं है, बट 100 डायमंड मिला यार, 1000 डायमंड तो नहीं दिया ना, 100 डायमंड में मुझे मिल चुका है, मतलब 90 डायमंड मिल चुका है गाइस, क्योंकि मैं लास्ट 10 डायमंड जो एक्स्ट्रा खर्च कर दिया।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं वाला बंडल मुझे मिल चुका है, बहुत ही अच्छा बंडल है और मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। गाइस आप लोग भी ट्राई करो, गाइस वीडियो को शेयर करो गाइस दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले। ज़्यादा डायमंड मत खर्च कीजिए इसके सब इवेंट में, क्योंकि जितना डायमंड स्पेन करोगे आप लोग उतना ज़्यादा डायमंड ले लेगा, ठीक है। जितना काम हो सके उतना काम करना और थोड़ा लेट करके करना, जब भी कोई इवेंट आता है थोड़ा लेट करके ये सब चीज़ बाहर निकालना, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो जितना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप लोग जैसे कि देख सकते हो मुझे मिल चुका है, वैसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जो ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस बाय बाय, आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।